इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। वेलकम करता हूं, आज के प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाला ईसा इब्नु मरियम लिल हव्वारियीन अंसारिल्लाह। قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة فيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا الظاهرين صدق الله العظيم। إدارة الإقراء کے تمام ممبران یہاں موجود ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا میں انٹروڈکشن کراؤں گا۔ سب سے پہلے ادارة الإقراء ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے پریسیڈنٹ جناب जावेद पठान साहब, वाइस प्रेसिडेंट मक्का भाई वकीली साहब, सेक्रेटरी शफकत जमादार साहब, इम्तियाज भाई, अब्दुल खादर जी वाले, मक्का वाले मक्की फैजामिया जमादार साहब और सईद मुजावर साहब, अब्दुल कदीर कालकुंदरी, राशिद मनिया, शाह नवाज खान साहब, अब्दुल गौरवी वाले। जैसे ही ये बीमारी फैलने लगी और मेरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी मेरा जान पहचान है, सब लोग यही ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे। तो इम्तियाज भाई आ गए, अंजुमन के आरएसएस वाले आ गए, तो बात करते करते हम घर में एज ए फैमिली वी डिस्कस्ड, ये एक ऐसा मौका आया है, क्या करना है। सो अनाउंसमेंटली हमारे फैमिली में पहले हमने डिस्कस किया कि ये जो बीमारी है इस को वी हैव टू फाइट टुगेदर एज सोसाइटी एंड वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फुलेस्ट फ्रॉम आवर साइड। नेक्स्ट डे आई केम टॉक टू माई टीम हियर, हमारे प्लांट इंजीनियर भट्ट साहब है, किरण साहब है एंड एंटायर स्टाफ को हमको बात किया कि ऐसा हमारा एक विचार है, आप लोग की क्या राय है। तो एंटायर स्टाफ ऑल्सो सेड सर वील डू इट टुगेदर एज ए फैमिली एंड वील गिव आवर बेस्ट फॉर दिस कॉज। वैसा ये चालू हो गया हमारा। बहुत खुशी महसूस हो रही। आप जब ऐसी बात बोले कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जैसा कि हमारे मेडिकल इंचार्ज अलकद अब्दुल कादर घी वाले साहब हैं और हम अंजुमन टीम है, और उनको जाकर मिलकर बहुत हॉस्पिटल में बहुत लोग थे, बहुत पेशेंट थे, बहुत गरीब थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको जाके एडमिट किए और थोड़े पेशेंट अच्छे होकर निकल गए वहाँ से। और साथ साथ में थोड़े लोगों का इंतकाल हुआ जो मर गए, उनको हमारे कादर भाई और हमारे बरेल टीम बेलगाम की अंजुमन की दोनों मिलकर हमारे कब्रिस्तान में और उनके अंतिम संस्कार में जाकर उनको दफन किया और उनके अंतिम संस्कार में हम लोग मदद किए। ऐसा आज के दौर में जो ये वबा चली है कोविड-19 की, इसमें सारे डॉक्टर्स, यहाँ तक कि आपका फैमिली डॉक्टर भी आपको नज़दीक नहीं कर रहा है, वो गेट पे ही ताला लगा चुका है कि अगर कुछ आपको चाहिए तो ऑनलाइन ही आपको दवाई वगैरह दे रहे हैं। ऐसे में जो इदारे काम कर रहे हैं कोविड-19 में, मैं सबको सलाम करता हूँ, सारे इदारों को सलाम करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट कांटेक्ट हमारा उनसे ही होता है, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के पास से सिलेंडर्स लेके आते हैं, मीटर्स लेके आते हैं, सारा हम लोग लाने के बाद में सैनिटाइज़ करते हैं, फिर हम लोग उनको राय भी देते हैं कि किस तरह रहना चाहिए। जब सिलेंडर हम लोग फिलिंग के लिए लाते हैं तो पाटिल साहब के यहाँ पे भी हम लोग वहाँ पे सैनिटाइज़ करके भेजने के बाद में भी फिर भी पाटिल साहब यहाँ पे वापस सैनिटाइज़ करके फिलिंग करने के बाद में हमको फिर वापस सप्लाई करते हैं। तो पाटिल साहब भी इसमें बहुत, तो इनको भी, इनके स्टाफ को भी बहुत सा रिस्क होता है, स्पेशली ये जो वायरस है ये छूने से होती है। तो इनके सारे स्टाफ को भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन और रात हमारे लिए, सारे तंजीमों के लिए, सारे इदारों के लिए दिन और रात मेहनत की। मैं सबको सलाम करता हूँ। सबसे पहला मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद हमारे पाटिल साहब का मैं दिल के गहराई से शुक्र अदा करता हूँ उनका। एक मोमेंट ऐसा पेश आया कि हॉस्पिटल में बेड थी लेकिन वहाँ पे सिलेंडर की कमी थी, सिलेंडर नहीं थे, कंप्लीट ख़त्म हो चुके थे, 10 या 12 पेशेंट ऐसे थे। तो रात का 12 बजे से 1 बजे का वाकया था, तो हमने हमारे शाहनवाज भाई से और रजा भाई से, हमारे सारे मेम्बर से बात की कि हॉस्पिटल में सिलेंडर की ज़रूरत हो, इनसे जाके सिलेंडर लेके जाने के बाद भर के हम लोग दिए, उसके बाद में 10 लोगों की पाटिल साहब की तरफ से जान बच गई। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ पहली बात तो।
और ऐसा ही आदमी हम शायद ही नहीं देखें। रात के 1 बजे जो है वो सिलेंडर लगाने के बाद में उनकी वो इनके ऑक्सीजन से उनकी जान बच गई। और उसके बाद में अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, और डर तो अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी ये जो बीमारी का जो मसला था निमोनिया था और दोनों लंग्स के अंदर पानी भर रहा था, वैसे मोमेंट के अंदर ये ऑक्सीजन सप्लाई जो हमारे घर घर जाके हम ऑक्सीजन सप्लाई किए हैं, ये हमारे आलिकरा के तमाम मेंबर को, हमारे जावेद भाई जावेद पठान के सदारत के अंदर और सब मेरे मेंबर्स को, मैं सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि ऑक्सीजन के बारे में, सप्लाई के बारे में और स्पेशली पर्टिकुलरली अपने साहब के बारे में, वेंकटेश पाटिल साहब, जिन्होंने जो एक ड्राइव किया है कि फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द नीडी जो कर रहे हैं, वो तो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। तो उसके साथ में जो अलीकला का साथ है, अलीकला और अपना वेंकटेश पाटिल साहब दोनों मिलकर जो एक एक अभियान चलाए हैं, ये सबको नीडी को ऑक्सीजन सप्लाई दे। और इस कोविड के महामारी के कंडीशन में कहीं जान, कोई जान खोए नहीं है, तो ऑन द ह्यूमैनिटी बेसिस जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अभिनंदनीय काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं अलीकरा इंस्टीट्यूशन के सब लोगों को, उससे पहले अपने साहब वेंकटेश पाटिल जी को, साथ में हर एक एम्प्लॉय जो अपना कंपनी का है, जो रात दिन काम किए हैं और रात दिन सर्विस दिए हैं, जो टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ द ऑप्शन टू द नीडी, ये जो बहुत ही अभिनंदनीय काम कर रहे हैं, उससे सब लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत से लोग देखे सर ये, लेकिन बहुत से लोग देखे, बड़े बड़े पैसे वाले देखे, इंडस्ट्रियलिस्ट देखे, लेकिन जो दिल है वो पाटिल साहब का दिल जो है वो बहुत ही बड़ा है। उनके लिए हमारी पूरी आलिकरा की टीम तहे दिल से शुक्रगुजार करती है कि ऐसे 10 पाटिल साहब अगर आ जाए वंडर्स कर देंगे। तो ये बात ये आशा करते हैं कि हर एक चीज, जैसे ये पैंडेमिक आया और कुछ आया नहीं आया, हम सब एकजुट हो जाए, द पीपल ऑफ बेलगाम ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट।